भारतीय विद्वत महासंघ द्वारा रविवार को बेतियाहाता स्थित हनुमान मंदिर परिसर में व्रत पर्व एवं त्योहारों की सूची पंचांग का लोकार्पण मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के आवास विकास राज्य मंत्री अश्विनी त्रिपाठी द्वारा किया गया। संघ के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि हम अपने पुराने पहचान को परंपरा को कायम रखें, उससे दो कदम आगे चलें। जो गरीब हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, उनको विद्याधन उपलब्ध कराया जाए, उनके संस्कारों पर चिंता की जाए। ये सारी चीजें बहुत ही प्रशंसनीय हैं। कार्यक्रम में भारतीय विद्वत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप पांडे, महामंत्री रमेश पांडे, जिला अध्यक्ष रविंद्रनाथ मिश्र, महामंत्री ब्रजेश पांडे, शेषमणि पांडे सहित महासंघ के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के आवास विकास राज्य मंत्री अश्विनी त्रिपाठी ने कहा, फैली कुरीतियों को दूर कर साथ ही साथ मुख्य अतिथि के तिथि जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत। मनमोहन मिश्र जी को आमंत्रित करता हूँ। आवास विकास मंत्री पद पर प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुलभूषण आदरणीय श्री अश्विनी कुमार त्रिपाठी जी आज के मुख्य अतिथि के रूप में इस सभा को गर्व की बड़ा हर्ष का विषय है कि भारतीय विद्वत महासंघ ऐसे सामाजिक कार्यों को अपने हाथ में लिया है जिस कार्यों को कोई सफलतापूर्वक संचालित नहीं कर। किसी का शादी विवाह का कार्यक्रम करा देना, उपनयन की चिंता करना, विवाह की चिंता करना, समाज के अंदर स्थापित अपने सनातन धर्म को स्थापित करने के बारे में लगातार प्रयत्न करना, अपने जो त्यौहार हैं, अपने जो मानक हैं, धार्मिक मानक हैं, उसको आगे बढ़ाना, उसको मजबूती प्रदान करना, ये कोई छोटा काम नहीं है। लेकिन इतने सारे धर्मों को समायोजित करते हुए इस समाज में सनातन धर्म को जितना मजबूती प्रदान करने में आप सब विद्वत जन लगे हुए हैं, मैं सभी विद्वानों को नमन करता हूँ। बड़ा अच्छा लगा, समाज को मजबूती प्रदान करने का कार्य हो रहा है, समाज को परिमार्जित करने का कार्य हो रहा है, ये अत्यंत प्रशंसनीय है। किस उद्देश्य किया गया है? हम अपने पुरानी अपनी पहचान को परंपरा को कायम रखें, उस पर दो कदम आगे चलें, जो गरीब हैं, जो मजबूर हैं, विवश हैं, लाचार हैं, उनको विद्या धन उपलब्ध कराया जाए, उनको संस्कारों के की चिंता की जाए, ये सारी चीज़ें बहुत प्रशंसनीय हैं और इसका जितना भी स्वागत किया जाए वो कम है।